हेलो बच्चों, चैम क्लब में आपका स्वागत है। आज हम दिवाली के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। दिवाली हिंदुओं का प्रिय त्यौहार है। पूरे भारत के लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन रामचंद्र जी रावण पर विजय पाकर 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। इसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन आकाश में चांद नहीं निकलता, घोर अंधकार छाया रहता है। शाम होते ही घर घर में दीप जलते हैं और सारा वातावरण जगमगाने लगता है। दिवाली को रात के समय दीप जलाकर लोग लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। दिवाली प्रकाश का त्यौहार है। इस अवसर पर हर घर में मिठाइयाँ बनती है, तरह तरह के पकवान बनते हैं। लोग अपने मित्रों को दिवाली की शुभकामनाएं तथा मिठाई आदि भेजते हैं। बच्चे पटाखे जलाकर खुशियाँ मनाते हैं। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता होती है। इस प्रसन्नता में कभी कमी न आए, इसके लिए कुछ बात अपने ध्यान में रखनी चाहिए। पटाखे सावधानी से जलाइए। जहाँ तक संभव हो बच्चे घर के बड़ों के साथ पटाखे जलाइए। आग से दूर रहे, ऐसा न हो कि जरा सी असावधानी से दिवाली जैसे त्यौहार का आनंद फीका पड़ जाए। समझ में आई ना ये बात बच्चों? आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।